नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, उसी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताया था कि बीएचयू के एडमिशन में बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इंक्वायरी करी थी कि सर बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल कब स्टार्ट होगा, क्योंकि पीजी का रिजल्ट आ चुका है। सो फाइनली कल मैं आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ उस वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने बताया है कि लगभग वो एस्टिमेटेड डेट क्या है जब बीएचयू अपना काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट करेगा, जब आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और अपना एडमिशन के जो भी कट ऑफ मेरिट है वो देख पाओगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीएचयू में वो मेजर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। भाई आप देख रहे होगे कि बीएचयू में लगातार कई सालों से सीटें खाली चले जा रही हैं। जैसे लास्ट ईयर यूजी में सुनने में आया था 25 से 30% सीट खाली चली गई, पीजी में भी लगभग 15 से 20% सीट खाली चली गई। एक सीट की कीमत होती है, गवर्नमेंट एक सीट पे अगर आपको कम पैसे में पढ़ाती है तो इसका मतलब प्रोफेसर तय करती है, आपको बिल्डिंग दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, इतने फंड आ रहे हैं, तो एक सीट की कीमत होती है। और एक सीट खाली चले जाना एक बच्चे भविष्य खराब होता है और गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद होता है, जो पैसे हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं तो ये बदलाव सकारात्मक बदलाव है। अगर ये बदलाव एज इट इज फॉलो होते हैं जैसा हमें सुनने और देखने को मिल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मेजर बदलाव है वो मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएचयू पाठशाला ऐसा चैनल है जहां पे आपको पूरे ऑफिशियल लेवल पे अपडेट्स मिल रहा है। मैं आपको जाके पता करके बताता हूँ, सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, ऐसे वीडियोज कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीएचयू ने एडमिशन को लेकर उठाया ये कदम, अब यह समिति देखेगी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया जाने डिटेल्स। यानी कौन सी समिति है, तो इसका नाम रखा गया सीएसी, यानी सेंट्रल एडमिशन कमेटी। अब आपका यहां से एडमिशन देखने जा रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि चलो इसके लिए प्रॉपर समिति है। इसके पहले भी थी लेकिन इसके मेंबर्स अब बदल दिए गए हैं, इसके पहले के मेंबर्स जो थे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों ने सीएससी के मेंबर्स को ही बदला है। अब जो बदले हुए मेंबर्स हैं उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन उससे जाने से पहले हम जानते हैं कि सीएससी क्या क्या काम करेगी। सीएससी यूजी पे काम करेगी, पीजी एडमिशन पे काम करेगी, एज वेल एज पीएचडी एडमिशन पे भी काम करेगी, जो कि अभी चल रहा है, जिसकी रिजल्ट लगभग मई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। अब वो लोग पीजी पे काम करना शुरू कर दे रहे हैं क्योंकि आपका पोर्टल बनाना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना है। तो ठीक है, ये पूरा चीज आप पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे उन मेंबर्स का नाम है जो सीएससी में इस पर काम करेगी, और हेड ऑफ सीएससी मेंबर्स का भी नाम बदल दिया गया है, जो अपने आप में सबसे बड़ा बदलाव है। लास्ट टाइम के जो मेंबर्स होंगे जरूर उन्होंने कोई गलती करी होगी, जिसकी वजह से हम लोग बदलाव देख पा रहे हैं। अब जो मेजर चेंजेस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर डेटा शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है वो बदल दिया गया है। अब हमारा बीएचयू जो है वो डेटा शेयरिंग के लिए सामर्थ से कोलैबोरेशन करने जा रहा है। सामर्थ वही है जहां पे आपने फॉर्म फिलअप किया था, अगर आपने वहां फॉर्म फिलअप किया था, हमारा जो डेटा है वो सामर्थ के पास है। अगर सामर्थ से डेटा लेगी तो स्मूथली डेटा मिलेगा और ये काम आसानी से हो जाएगा। तो सामर्थ के साथ ये कोलैबोरेशन हमारे काम को स्मूथ बनाएगा, हमारा समय बचेगा और ट्रांसपेरेंसी, ये तमाम चीज जो है बस इस एक चीज की वजह से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि बीएचयू जो है वो सामर्थ से कोलैबोरेशन कर ले। सेकंड है सीएससी के मेंबर्स बदल दिए गए, जिसमें अब जो हमारे सीएससी के हेड होंगे वो होंगे प्रोफेसर एमएमबी के प्रोफेसर सही प्रोफेसर सही है प्रोफेसर भास्कर जी। ठीक है, यहां पे तीसरे नंबर पे जो है उन्होंने लिखा हुआ है 4 ईयर्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यानी कि एनईपी आने वाला है। एनईपी आने की वजह से अब जो आपको ऑनर्स बेसिस पे जो सिलेक्शन होता था, बेसिकली ये यूजी लेवल पे होगा। ठीक है, ये यूजी लेवल का बदलाव है, ध्यान देना, ये यूजी लेवल के लिए बदलाव है, क्योंकि अब आपका 4 ईयर्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होने जा रहा है। आपका जो 3 साल का कोर्स होता था, 4 साल का होगा। तो एडमिशन में जो ऑनर्स चूजिंग का ऑप्शन होता था वो क्या हो जाएगा, 4 साल के लिए बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में एडमिशन कमेटी को बड़ा काम करना पड़ेगा। इन्हीं जितने पॉइंट्स में डिस्कस किया, अगर ये तीनों पॉइंट्स को देखा जाए तो चौथा पॉइंट अपने आप निकल के आता है कि एडमिशन स्मूथली होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ना कि लास्ट ईयर की तरह सीटें वैकेंट चली जाए और मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन ना हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करे, जो कि मैं आपको बताता रहूंगा, ऑफिस पे आकर बता दूंगा कि एक्चुअली वो कब ओपन करेगा अपना पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए। और आपको ये भी अपडेट चला जाएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्टस है एडमिशन के लिए वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में डिटेल मेंशन होती है। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।